नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कंपनी आज जिस इस वीडियो के अंदर आज कुछ कंपनीज के बारे में इसे चर्चा करूंगा, क्योंकि कंपनीज के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, और किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और किस तरीके से उसका लेवल हाई हो सकते हैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और हाँ, ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पज में होगा, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा पीवी फिनटेक लिमिटेड के बारे में, जिस कंपनी को हम लोग पॉलिसी बाजार नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग पीवी फिनटेक नाम से जानते नहीं है, तो मैं बता दूँ पॉलिसी बाजार इस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी का सबसे पहले मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसका मार्केट शेयर, तो देखिए कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर 93% मार्केट शेयर है। तो आप कहेंगे सर इसको देखकर मुझे क्या फ़ायदा होगा, इंतजार करिए मैं वो फ़ायदा आपको बताऊंगा। अभी देखिए कंपनी का बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर 23% एंड मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग के ऊपर कितना 32% एंड आउटसोर्सिंग के ऊपर कितना 21% एंड बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर कितना 15% एंड बाकी रिवार्ड के ऊपर 4.8% एंड अदर्स के ऊपर 2.59%। तो ओवरऑल कंपनी का जो सेगमेंट है वो इंश्योरेंस के ऊपर ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो आप पॉलिसी बाजार डॉट कॉम साइट के ऊपर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वहाँ पे होता क्या है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिल जाते हैं, जिस कैटेगरीज को आप चूज करके आपके अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंस वाइज आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के ऊपर सबसे पहले जो बात करूँ तो कंपनी के जो मार्केट शेयर है 93%, इसलिए मैं कहा क्योंकि आज लोग घर बैठे ही सब कुछ करना चाहते हैं और डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। आप एक बार इस कंपनी के वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करेंगे तो सारे हेल्प का जो डेस्क है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा वो सपोर्टेबल हेल्प जरूर करता है। तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा, क्योंकि देखिए मान के चलिए मुझे कोई इंश्योरेंस लेना है और मुझे इंश्योरेंस लेने के लिए इंश्योरेंस ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई एजेंट मेरे घर में आएगा। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जो देखा जाए तो बहुत सारे कैटेगरीज के इंश्योरेंस है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ टर्म प्लान्स भी है, और इस तरीके से प्लान्स लेने के लिए ऑफिसेज में आपको जाना पड़ेगा। तो वो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे चीज़ों को आपके साथ अगर कंपनी डिस्कशन करे और सारे चीज़ों को अगर आपके साथ यहाँ पे बता पाए तो एक अच्छा फ़ायदा तो कंपनी को मिलेगा ही, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है मैं आपको बता दूँ, कंपनी के ऊपर इतने दिनों से जो लॉस मेकिंग कंपनी था फाइनली वो प्रॉफिट का यहाँ पे सामना देखने को मिले। ये देख सकते हैं कंपनी का पिछले बार का जो टोटल सेल्स था उसको बढ़ाकर कंपनी 1000 कर चुके हैं, 666 के सेल्स हुआ था उसको बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ है। और एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए वो भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले। तो एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है। तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से हुआ, कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ आदर्श इनकम से। अगर आदर्श इनकम्स के ऊपर क्लिक किया जाए तो आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशनल आइटम्स है उसके ऊपर 41 करोड़, आदर्श इनकम नॉर्मली 100 करोड़ के आसपास। तो टोटल 100 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे 141 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे सेल्स देखने को मिला, वो भी आदर्श साइड से, और इसी का फायदा कंपनी को डायरेक्टली मिला। और कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, जो पिछले साल में लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी में जो आगे बढ़ने का पोटेंशियल है वो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों माल बेचे, जो कंपनी इतने परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। दूसरी बात और एक चीज़ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वही से एक डेटा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड ने जो लगातार सेलअप किए चले जा रहे थे फेब्रवरी मंथ में, मार्च में, अप्रैल में, उसके बाद मई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, जून मंथ में फिर से सेलिंग किया और जुलाई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। मतलब मई और जून मंथ, जुलाई मंथ में अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया, जो बाइंग का सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल के लिए ज़्यादा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो उसके बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बिग अपडेट है। कंपनी 1800 तक इसका टारगेट रखा गया है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो 1800 मतलब एक कुछ इस तरीके से हाई लेवल में टारगेट रखा गया है।
इस तरीके से कुछ हाई लेवल में टारगेट रखा गया है। उस टारगेट देखने से पहले मैं आपके साथ एक एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न शेयर करूंगा। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर क्या हुआ, बिग क्रैश हुआ। इसी तरीके से हालत LIC का भी हुआ था, इसी तरीके से हालत उज्जीवन बैंक के भी ऊपर हुआ था। बहुत सारे कंपनी से जो एक यू टर्न लेकर फिर से बाउंस बैक किया है, तो कंपनी में दम है तो इसलिए यू टर्न लिया। क्योंकि जोमेटो भी इसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया, तो यू टर्न लेकर जो कंपनी इस तरीके से हाई किया, मतलब वो लंबा जर्नी करने के लिए तैयार है। तो क्या बना, यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो काफी धैर्य पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और फाइनली इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। मतलब कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसी सिचुएशन के बेसिस में अगर मैं टोटल ओवरऑल इसका मार्किंग करूँ, तो डाउन साइड से मतलब एकदम डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट कंपनी 300% का जर्नी कर चुके हैं। अभी करंट लेवल से अगर फिर से आप 10 जर्नी करें, तो फिर से 75% तक जर्नी हो सकते हैं। देखिए, जो जर्नी हो सकते हैं, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि उस लेवल तक जाएगा। हाँ, एक पैटर्न्स के बेसिस में, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर लगातार अभी भी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। और देखिए, सेलिंग जो हो रहा है, अभी सेलिंग थोड़ा सा रुक चुके हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो सेलिंग हो रहा था, बहुत सारे लोगों को मन में डाउट है, कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है तो और भी गिरेगा। अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम एकदम वीक हो चुके हैं, एकदम मतलब वॉल्यूम एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। और इसी ना के बराबर वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है, वो प्रेशराइज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुक सा होता देखने को मिला है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिले। तो अभी यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर कम हो जाए, तो यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो सकते हैं। अगर बायर एक्टिव हो, तो जिस तरीके से अभी आपको पैटर्न्स देखने को मिला था पीवी फिनटेक के ऊपर, सेम टू सेम यू जैसे पैटर्न लेकर कंपनी रीबाउंस कर सकते हैं। तो क्या सही में कुछ कंपनी का दम है रीबाउंस करने का? तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। अभी कितना हाई है, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 85 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 62 के आसपास है। मतलब कंपनी खुद के पी रेशियो और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो में डिफरेंस तो है, मगर कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो करंट पी रेशियो के सेम टू सेम है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी देखिए सेल्स तो किया, इस बार छोटा मोटा सेल्स डाउन हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से कंपनी का घटकर 18% हो चुके हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम हुआ। बाकी देखिए, कंपनी एक ही रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, 150 करोड़ से 200 करोड़ के अंदर अंदर इसी रेंज के हिसाब से कंपनी चल रहा है। तो देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, तो जिसका ग्रोथ धीरे धीरे करके होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर उतना ज़्यादा बूस्ट जो होना था तो हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट कुछ ईयर्स में इसका बूस्ट होना, थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, लगातार किस क्या हो रहा था, सेलिंग हो रहा था, फाइनली देखिए इसके ऊपर बाइंग होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी क्वांटिटी ऐड किया, और FIIs के पास भी जो सेलिंग हो रहा था, वो भी देखिए बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग्स एंड सेलिंग्स देखने को मिला। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ, कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक गुड पॉइंट यही है कि टाटा टेक्नोलॉजीज फर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज यूनिट्स बनाने जा रहे हैं। तो कंपनीज के ये भी एक गुड अपडेट है, क्योंकि कंपनी BMW जैसे कंपनीज को भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, तो ये एक कंपनी के लिए गुड अपडेट है एंड गुड पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए, पतंजलि फूड्स बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नज़र अभी देखने को मिला है, क्योंकि पतंजलि फूड्स के अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली भागते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से ट्रेड मिला। पहले जो एक ट्रेड मिला था कुछ इस तरीके से कप, उसके बाद एक हैंडल बटन बने, तो कप के बाद एक हैंडल बटन बनने के बाद फाइनल क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया, मैं इंतजार कर रहा था नीचे लेवल को टच करने का, तो टच भी किया और यहाँ पे एंट्री बना। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, करीबन करीबन 2038 के आसपास इस तरीके से लेवल्स को लेकर मैं चल रहा हूँ। और फाइनली देखिए वो धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है,
और वो हायर हाई करके ऊपर ही जा रहा है, और मुझे लगता है वो इजिली टारगेट को अचीव भी करेगा। उसके पीछे रीजन भी है, बताऊंगा। उससे पहले देखिए, उसी के बीच में और एक ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल गया, वो एक रेंज बाइंग का ट्रेड है। तो कंटिन्यूसली बाइंग रेंज का जो ट्रेड है उसको 20% के ऊपर रेंज बन गया, तो जब भी यहाँ पे नीचे टच किया तब एंटी बने और फाइनल देखिए इसका टारगेट बन चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कंपनी में दम है तो बार बार वो आपको एंटी और टारगेट जरूर देगा। बहुत जगह पे आप लोग करते क्या है, जहाँ पे एंटी बना ही नहीं फिर भी आप फोमो बाइंग के हिसाब से बाई कर लेते हैं, जो शेयर भागते चले जा रहे हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे मत करिए, क्योंकि जहाँ पे आपको लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पतंजलि के ऊपर टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, अभी कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, देखिए रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा सा कम किया और इसी का फायदा कंपनी को डायरेक्टली मिला। 88 करोड़ से कंपनी 263 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, पिछले सालों को भी बीट किया, और यही एक वजह है, यही एक कारण है जिसके चलते कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। दूसरा भी एक कारण है कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर 2% होल्डिंग को 3% कर दिया, और FIIs के पास 2% होल्डिंग को 10% कर दिया। तो सोचिए, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग कर रहा है और इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखा है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कुछ गुड अपडेट्स देखने को मिलेगा। इसका अपडेट यही है कि कंपनी एक के बदले आपको एक शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने वाले हैं, और एक के बदले दो शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहे हैं। तो दो अपडेट एक साथ आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और सारे डेटा को आप एज एजुकेशन पर्पज़ में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, मेरा व्यू कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।